أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Find the period of the following function. ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 11 है, क्लास भी 11 ही 11th है, और इसमें जो चीजें करनी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, चैप्टर का जो नाम है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो 11.1 है, उसमें हमने बताना है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे हाँ बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं द बुक पे, उनमें हमने पीरियड्स बताने, तो ये याद रखें सबसे पहले जो जनरल सी बात है। इसमें करना क्या है, जो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, सीकेंट एक्स होता है, कोसेकेंट होता है, इनका जो पीरियड होता है वो 2π होता है, जबकि टेंजेंट एक्स है, कोटेंज एक्स है, इनका जो पीरियड है वो पाई होता है, ये इनके दरमियान डिफरेंस है। तो लेट्स सी, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या उसका पीरियड हमें पता है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, साइन 3x, इसको साइन को देखते ही हमें पता चल गया कि इसका पीरियड जो है वो 2π होगा। तो क्यों भी साइन आया इस क्वेश्चन में, तो हमें पता है पीरियड ऑफ, वी नो दैट अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर साइन 3x प्लस 2π, यानी कि इसमें हमने पीरियड को ऐड कर देते हैं इसी फंक्शन में, इज इक्वल टू साइन 3x अप्लाइज साइन, एक बार ध्यान रखें यहां से हमने 3 का कॉमन कर लिया, हमारे पास अंदर आ जाएगा x प्लस 2π/3। याद रखना अगर 3 कॉमन किया है तो यहाँ पे तो 3 कॉमन बाहर चला गया, x बचेगा प्लस, ये 2π है, इधर भी 3 था कॉमन कर लिया तो ये इधर डिवाइड भी होगा पाई, जो हमारे पास से पीरियड है उसके इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमें पता चल गया है कि हेंस पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2π/3। अब यहाँ पे हमने ये नहीं लिखना कि साइन 3x का जो पीरियड है वो सिर्फ 2π, नहीं, बल्कि यहाँ पे जो हमारा पीरियड आएगा वो हमने रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और चेक करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 2x, इस पे हम पीरियड मालूम करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है, वी नो दैट पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज 2π, ये जनरल सी बात है, याद रखने वाली बात है, साइन कॉस कोसेकेंट सीकेंट इनका जो पीरियड होता है वो 2π होता है, जबकि टेन और कोटेंज इनका पीरियड पाई होता है। तो यहाँ पे कॉस यूज हो रहा है तो हमने इसका पीरियड बता दिया है कि 2π है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कॉस 2x पीरियड हमने क्या रखा हुआ है 2π, क्योंकि कॉस यूज हो रहा है तो 2π पीरियड ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू कॉस 2x। अप्लाइज क्या कर दें, कॉस यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लें तो यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ पे 2π/2, चलो मैं स्टैटिक कॉल कर देता हूँ, 2π/2 इज इक्वल टू कॉस 2x। तो कॉस 2 इंटू x प्लस ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचे सिर्फ
अब हम बता सकते हैं फ्रेंड्स, पीरियड ऑफ कॉस टू एक्स इज पाई। अब यहाँ पे हम 2 पाई नहीं लिख सकते क्योंकि 2 पाई हमने पीरियड जो था वो इसमें ऐड किया था। अब जो हमारा इसको सिंपलीफाई करके रिजल्ट है वो सिर्फ हमारा पाई आ रहा है, तो इसलिए हमने पाई रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, 10 4x। तो क्या कुछ ध्यान में आया कि 10 का पीरियड क्या होता है? क्या होता है? पाई होता है ना, अभी पाई है। तो इसमें हमने क्या करने हुई नो दैट पीरियड ऑफ 10x इज ओनली पाई। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देयरफॉर 10 4x+5। अब इसमें पीरियड हमने 4 सिर्फ पाई ऐड कर दें इस फंक्शन में, तो इज इक्वल टू 10 4x। अगेन हम चलते हैं अप्लाई करते हैं, सो अप्लाई दैट 10, यहां से अगर हम 4 कॉमन कर लें क्या होता है x+, ये x है, x+π/4। यहाँ पे 4 तो नहीं था साथ लेकिन यहाँ पे था वो हमने कॉमन कर लिए, इसके साथ तो सिंपली x ही रहेगा जो बचा है पीछे। बाकी जो ये 4 हमने कॉमन किए वो तो जाके दूसरे साइड पाई पे तकसीम भी होगा, इक्वल टू 10 4x। तो हमें पता चल गया है पीरियड ऑफ 10 4x इज पाई बाई 4। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। अब आगे आगे भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई करें।